नागोर्नो-काराबाख की राजधानी स्थेपनागर सुबह सुबह हमले की चेतावनी का सायरन बजा और तुरंत हमला भी हो गया। ये वीडियो सड़क के किनारे पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे से शूट हुआ है, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत बड़ा पाप छिपा है। इंसानों पर प्रतिबंधित महाविनाशक बम से हमला करने का पाप। ये सीसीटीवी वीडियो है, इसलिए इसका कोई एंगल नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें दर्ज आवाज लगातार बदल दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखने से ज्यादा ध्यान से सुनना जरूरी है। नागोर्नो-काराबाख की राजधानी स्थेपनागर में एक के बाद एक सैकड़ों छोटे छोटे बम फटने लगे। अज़रबैजान यहाँ क्लस्टर बम से हमला किया और अब इस बम से हुई बर्बादी देखिए। घर बर्बाद हो गए, स्कूल टूट गए, अस्पतालों में आग लग गई, सड़क पर खड़ी खड़ी कारें धधकने लगी। 10 मिनट में पूरे शहर में जगह जगह काले धुएं का गुबार उठ रहा था। खिड़कियां चकनाचूर हो गई, गलियों में हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। जवान लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन बुजुर्ग जलते घरों के मलबे में फंस गए। देखिए स्थेपनागर शहर में हुई इस बर्बादी के बीच फंसी एक बुजुर्ग महिला को कैसे एक शख्स ने गोदी में उठाकर बाहर निकाला। अब इसी शहर का एक और वीडियो देखिए। शाम तक लोग घरों से बाहर निकलने लगे, कार में बैठे एक शख्स ने लाइव बमबारी के बीच ये वीडियो शूट किया है। धमाकों की आवाज सुनकर वो शख्स जल्दी से अपनी कार से उतरा और नजदीक की एक दुकान में छिप गया और देखिए वहां से उसने क्या क्या देखा। वो अपनी आंखों के सामने अपने शहर को बर्बाद होते देख रहा था। उसके नजदीक ही धमाके हो रहे थे, लेकिन तभी उसके बिल्कुल नजदीक एक बम गिरा। बम फटता इससे पहले वो वहां से भागा और नागोर्नो-काराबाख की राजधानी स्थेपनागर में न्यासी जनता के ऊपर हो रही क्रूरता का सबूत दुनिया को देने के लिए जिंदा बच जाए। शहर में निहत्थे लोगों पर क्लस्टर बम से हुई तबाही आपने देख ली। अब जानिए कि ये क्लस्टर बम है क्या और कैसे ये इतनी तबाही मचाता है। तो क्लस्टर बम कितना खतरनाक है। सऊदी अरब और तुर्की में टेंशन इतनी बढ़ गई कि काउंसिल ऑफ सऊदी चैंबर्स ने तुर्की की बनी हर चीज के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। काउंसिल ऑफ सऊदी चैंबर्स के चेयरमैन अजलान अल अजलान ने ट्विटर पर लिखा, हर सऊदी नागरिक चाहे वो व्यापारी हो या उपभोक्ता, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर तरह से बहिष्कार करे, चाहे वो आयात के स्तर पर हो, निवेश के स्तर पर या फिर पर्यटन के स्तर पर। ये सब हमारे नेता हमारे देश और हमारे नागरिकों के खिलाफ तुर्की सरकार के विरोध के जवाब में है। समझिए कि ये क्लस्टर बम है क्या और क्यों क्लस्टर बम दागना युद्ध के दौर में भी महापाप समझा जाता है।
क्लस्टर बम खास तरह के बम होते हैं जो एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे बमों से बनते हैं। फटने पर ये बड़े इलाके में फैल जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को घायल कर देते हैं। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक और विनाशक होते हैं। इस एक बम को छोटे छोटे हजारों बमों का गुच्छा भी कहा जा सकता है। क्लस्टर बम को किसी सटीक टारगेट पर कभी नहीं डाला जाता, उसे दुश्मन के इलाके में बड़ी खलबली मचाने के लिए और सब कुछ तहस नहस करने के लिए फाइटर जेट से गिरा दिया जाता है। लॉन्च करने के बाद क्लस्टर बम से निकले सैकड़ों छोटे छोटे बम कई मील तक हवा में उड़ सकते हैं। क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाने लगते हैं। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रास्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इन्फेंट्री यूनिट या दुश्मन देश की सेना के जमावड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्लस्टर बमों का सबसे पहले इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। 1943 में उस वक्त की सोवियत संघ और जर्मनी की फौजों ने एक दूसरे पर क्लस्टर बमों से अटैक किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 200 तरह के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं। क्लस्टर बमों ने दुनिया के कई देशों में भयानक तबाही मचाई है। वियतनाम, लाओस, इराक, कंबोडिया, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में क्लस्टर बम तबाही मचा चुके हैं। फिलिस्तीन भी इसराइल पर इन बमों के इस्तेमाल का कई बार आरोप लगा चुका है। अमेरिका ने भी खाड़ी युद्ध के दौरान इस बम का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान पहाड़ियों में छिपे तालिबान के लड़ाकों को मारने के लिए अपने फाइटर जेट से खूब क्लस्टर बम दागे थे। आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाओं के बीच नागोर्नो और काराबाख इलाके में शांति की उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। और अब इसी गोलाबारी के बीच शहरों और गांवों पर क्लस्टर बम डाले जा रहे हैं। डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। इस संधि के तहत क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। अब समझिए कि अजरबैजान आखिर नागोर्नो काराबाख के शहरों पर इस पापी बम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल पिछले 3 दिन से आर्मेनिया की तरफ से लगातार अजरबैजान के शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब युद्ध की आग अजरबैजान के उन पाइपलाइंस के नजदीक तक पहुंच गई है जहां से यूरोप को गैस और तेल की आपूर्ति होती है। अगर इन पाइपलाइंस पर अटैक हो गया तो अजरबैजान में त्राही त्राही मच जाएगी। ऐसा न हो इसलिए अजरबैजान और तुर्की अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और फिलहाल उसके लिए ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद देखिए टॉप हेडलाइन।